सभी को नमस्ते एंड वेलकम टू द अनदर व्लॉग। सो आज 16 जनवरी है और अभी का टेम्परेचर -10 है और अभी बज रहे हैं 8:56, 8:56। सो आपको क्या बताएं क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ही ज़्यादा है रात को, लेकिन ये होम स्टे इतना बढ़िया कि हमारा जो नाइट बहुत ही कंफर्टेबल था। आपको बता दूँ यहाँ पे सर्वाइवल के लिए हमने क्या क्या लगा पहन रखा है। मैंने एक ही मोटी जैकेट है मेरे पास, अभी बढ़िया जैकेट है। एक ये एक लेयर ये है, एक लेयर फ्रीज की मैंने ये है और दो लेयर मैंने और पहन लिया। टोटल 4 लेयर मैंने डालकर तब जाके मैं यहाँ पे कंफर्टेबली जाता हूँ। और हम इस ठंड को बीट करने के लिए हमने क्या यहाँ पे लगा हुआ है, ये तंदूर है जो इस पूरे कमरे को गर्म करके रखता है। और यहाँ पे कॉमन एरिया होता है जहाँ पे सब लोग आके बैठते हैं और आराम से जो पूरा हीट है सीजन उसका आनंद लेते हैं। मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ, एक बार आप आइए, आज भी आपका व्यू दिखा रहे हैं आपको। कुछ इस तरह से यहाँ का मॉर्निंग व्यू है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा। मधोश खो जाओगे ऐसे व्यू देख के। आना पड़ेगा आप घर, आपको ये व्यू का अगर फील लेना है प्रॉपर। अब देखो कितनी सफ़ेद बर्फ है दोस्तों, ठंड बहुत है। और अभी सुबह के 10 बज गए हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं नीचे एक विलेज में। और यहाँ पे हम दिखाएंगे कि यहाँ पे जब इतनी हैवी स्नोफॉल होती है तो यहाँ के लोग उसे आइस जो स्नो होती है उसको कैसे क्लियर करते हैं। चलो हम आपको दिखाते हैं नीचे जाके। ये जो आप शॉवल देख रहे हो, ये पहले यहाँ पे वुडन शॉवल यूज़ करते थे यहाँ के लोग, अब थोड़ा यहाँ पे भी एडवांस हो गए हैं। सो ऐसा शॉवल यूज़ हो रहा है। सो विक्रम भाई कहाँ लेके जा रहे हैं हमें आगे तक? अब हम जा रहे हैं की तरफ जो कि समर में चलता है, लेकिन अभी आप देखेंगे वहाँ पे कितना स्नो जमा हो गया है कैंप साइट पे। तो यहाँ से 200 मीटर नीचे ये तांदी किलाड़ की स्वर रोड है ये जिससे हम चल रहे हैं। ओके, सो नीचे कैंप साइट तक जाएंगे हम लोग और फिर उसको थोड़ा क्लीन करेंगे। ये रास्ता भी तांदी ब्रिज के लिए जाता है। तांदी ब्रिज के लिए जाता है। अच्छा, आपको बता दूं आप यहाँ पे आओ तो हमेशा अपने साथ यूवी प्रोटेक्शन ग्लासेस लेके आना, बिकॉज ये इतनी वाइट है कि ये आपके आइज डैमेज कर सकती हैं। सो इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल टू वेयर अ पोलराइज और यूवी प्रोटेक्टेड ग्लासेस इन सच क्लाइमेट कंडीशंस। रास्ता देख रहे हो, थोड़ी देरी हुई है मैं नीचे उतरते हुए, हार्डली सम
मीटर्स एंड साथ ही फूलने लग गई हैं, पूरे पैर धस रहे अंदर। काफ़ी हैवी स्नोफॉल हुई है इस बार यहाँ पे। अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पे टूरिस्ट, और मुझे लगता नहीं किसी ने किया होगा जो अभी हम आपको करके दिखाने वाले हैं। किसी व्लॉगर यूट्यूबर ने अभी तक कैप्चर नहीं किया होगा, और हम पहले टूरिस्ट हैं तो यहाँ से जा रहे हैं, जो अभी 2022 में टांडी तक लाहौल वैली अटल टनल को क्रॉस किया जिसमें। आगे पहुँचते हैं फिर दिखाते हैं। हाँ, ये रास्ता बनाया है शॉर्टकट। अरे बाप रे, आप पूरे पैर धंस गए, देखो कितने पैर धंस गए। हाँ, ओहो, नी डीप स्नो, बहुत तगड़ा, ओ फीलिंग। कैसे चमक रहे हैं ये, बहुत ही ज़्यादा स्नो है। थोड़ा राहुल लेफ्ट साइड से आइयो, थोड़ा सा लेफ्ट में रख के, ठीक है। देख रहे हो कमर तक पहुंच गई बर्फ, बाप रे बाप। आप मेरे आगे विक्रम चल रहा है, ये उनके फुटप्रिंट्स है, ये उन्होंने ही बनाया ये रास्ता। वो पहुंच भी गए ऊपर, अरे बाप रे बाप, और हम यहाँ पे। ठीक है, सो हम यहाँ पहुँच गए। हमें ये पूरा रूफ का स्नो क्लीन करना है। विक्रम हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड क्लीनिंग द स्नो। और ये जो आप स्नो देख रहे हो, दिस इज पाउडर स्नो, देख रहे हो, इसे पाउडर स्नो कहते हैं। पूरे फ्रेश है ये हार्ड भी नहीं हुई है अभी। सो अभी ये पूरा क्लीन करेंगे, तो अभी हम विक्रम भाई के कैंप साइट पे हैं। ये पूरा कैंप साइट है एंड वहाँ पे दो रिवर्स का संगम भी हो रहा है, और विक्रम भाई हमारे साथ ही हैं। बताएंगे अपने कैंप साइट के बारे में, क्या नाम है, क्या आप बुकिंग कर सकते हो, कब बेस्ट वेदर है
सीज़न है आने के लिए और क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं बताइए विक्रम भाई। ये जो कैंप स्टार्ट किया हमने 2017 में किया था, ये चंद्रभागा नाम से, चंद्रभागा कैंप्स नाम से आपको गूगल में मिल जाएगा। तो बुकिंग यहाँ पे स्टार्ट होगी आपकी अप्रैल, डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशंस, और अक्टूबर तक चलेगी। बुकिंग आप डायरेक्ट मुझे कॉल करके भी कर सकते हैं, बाकी फेसबुक पेज है हमारा और इंस्टाग्राम पर भी हैशटैग चंद्रभागा कैंप्स करके डालेंगे तो आ जाएंगे वहाँ पर। ठीक है विक्रम भाई, आपका एक एडवेंचर पेज भी है, उसका उसका नाम क्या है? उसका नाम है राइज इन डस्ट एडवेंचर्स। उसको आप व्हाट्सएप में भी, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे सारे अपडेट्स आते रहते हैं। ठीक है, तो ये तो इनका कैंप साइट हो गया। ये अभी हम लोग यहाँ पे डाइनिंग है और किचन है, दो रूम है। ठीक है, यहाँ पे डाइनिंग किचन और एक दो रूम्स हैं, बाकी कैंप्स वगैरह नीचे लगते हैं। अभी जो हैवी स्नोफॉल हुई थी वो स्नो हम ये रूफ से क्लियर कर रहे हैं। और अगर इनके आपको होम स्टे में रुकना है तो होम स्टे ऊपर है जहाँ पे हम लोग आज रुके हुए हैं, उसके बारे में भी बताएंगे। तो होम स्टे जो है हमारा जिसमें आज हम रुके हैं, राजेश भाई है हमारे साथ, वो बताएंगे। जी होम स्टे है लम्बन होम स्टे करके, विंटर पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि चले अच्छे से, लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो आप आइए इंजॉय लीजिए लम्बन होम स्टे में, गूगल पे भी देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। सो पर्सनल एक्सपीरियंस हमारा है कि बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटैलिटी है, भाई हैं सारे अपने और किसी चीज़ की कमी होने नहीं दी है। पूरा कंफर्ट जो होना चाहिए घर पे वो बिल्कुल वैसा प्रोवाइड किया है। गर्म पानी चाहिए गर्म पानी, खाना वगैरह सब चीज़, रात को कोई दिक्कत भी नहीं है। सो मैं विक्रम भाई का एंड राजेश भाई का दोनों का फेसबुक लिंक और कॉन्टैक्ट लिंक डाल दूंगा ग्रुप में, आप उसको देख लेना, चेक कर लेना, जब भी आपको आना हो तो इनको कॉन्टैक्ट कर लेना। बाकी आप यहाँ से व्यू देखिए। चलते हुए राहुल, स्ट्रगल इज रियल, आराम से। आ जाओ, मैं तो वेट कर रहा हूँ। ये हमारे भाई आते हुए, प्रतीक थक गए हैं, ऐसे कभी भी थोड़ा सा भी स्नो में ट्रैक कर रहे हो, हाइक कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते हुए आओ, डू नॉट ट्राई टू एग्जॉस्ट योर सेल्फ। ऐसे रीजन में ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और ये हम अभी 5000 समथिंग मीटर अबव है, तो बहुत हाई एल्टीट्यूड में भी हम लोग, तो हमेशा ध्यान से आए। छोटी आई कैसी रही? बढ़िया। अब आगे बढ़ते वक्त अब हम जाएंगे कीलोंग की तरफ, देखते हैं वहाँ पे क्या है हमारे लिए और आपके लिए।
इस वेदर में January 16th, 2022 ये हिमालय आपके लिए क्या रखता है, देखते हैं आगे जाके।